नमस्कार, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार और मैं आया हूँ बिलोचपुरा गांव में, आई बागपत में बिलोचपुरा गांव। ये देखिए, और मैं एक मकान पर आया हूँ, देखिए कच्चा मकान है यहाँ पर और पूरी तरह से ये मकान मतलब ढह चुका है। ये देखिए बरसात में डैमेज हो चुका है और आज ये परिवार पूरी तरह से एक बड़ी भयावह स्थिति में है। ये देखिए बाहर है, बिल्कुल आसमान के नीचे पूरा परिवार रात गुजारता है। और ये देखिए और अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जहाँ मोदी सरकार हर बार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने उज्ज्वला योजना में करोड़ों परिवारों को गैस चूल्हे दिए हैं, फ्री गैस चूल्हे दिए हैं, करोड़ों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए हैं, और ये जीता जागता आपके सामने की आईना है। ये देखिए ये खुले आसमान के नीचे एक झोपड़ी में खाना बनाने को मजबूर ये परिवार की स्थिति इतनी भयावह, काफ़ी बार अच्छे क्या नाम है नरसिन्हा जी, आप कहाँ पर रह रहे हो? पिन्नी के तला रहा है, बारिश बूंद आ जाए, पिन्नी के रखी सारी चुगाई अभी, पर अब ना यहीं सोवे रात में पूरी सारे। अच्छा, इसकी आपने का जवान लड़की हमारे पास ग्राम प्रधान से है। या किसी से इसकी शिकायत नहीं करी आपने? कर रखी प्रधान के धोरे, सब काम पक्के हो रहे, इनका मंजूर हो रहा आ रहे, बस पैसे की वो नहीं हो रही, बस पैसा ही नहीं आ रहा। इसे ये अपने घर की जी कई बार लगा चुके हैं एप्लीकेशन के हमारा घर आ जाए, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई ब्लॉक में पैसा आ रहा है मकानों का बिलोचपुरे के नाम का और न ही जिले। तो देखिए कितना आज मोदी सरकार जो करोड़ों मकान बनाने की बातें करती है, ये कहीं ना कहीं परिवार छूट चुका है, गांव छूट चुका है। तो बागपत के बिलोचपुरा में गाँव में हमें दूसरा मकान हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मकान है और ये देखिए पूरी तरह से कच्चा मकान है, ये झोपड़ी ऊपर है। मोदी सरकार का बार बार कहना है कि करोड़ों लोगों को हमने मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों लोगों को हमने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे दिए हैं, कहाँ है वो विकास, कहाँ है विकास की बातें होती रहती है लेकिन धरातल पर वो चीज़ नहीं। क्या नाम है जी आपका? वसीमा। वसीमा जी देखिए पूरी तरह से विकलांग है और बड़ी भयावह स्थिति में ये परिवार है। तो ये अभी इसी मकान में आप रह रहे हो? जी हम इसी में ही रहते हैं जी, बहुत परेशान हैं हम। आपने सुना नहीं कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बना रही है? जी सुना जब ही, तो ये आवाज जी हर जंग वो जा रही है, मैं जी मेरी कोई नहीं सुन रहा। तो अभी कहाँ तक आपका किस चीज़ से आपने शिकायत की है मकान बनाने के लिए? जो जी सब उससे करी मैंने, प्रधान के यहाँ भी, सेक्रेटरी के वहाँ भी, DM के वहाँ भी, सारे में जाली में जो ब्लॉक तलक में चली गई, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। दो बच्चे बताओ इस छपर में रह रही, मैं कैसे वो करूं, बारिश आवे सारा वो होवे चूवे यो। आप उज्ज्वला योजना में जो फ्री में जो चूल्हा और गैस दी गई, क्या वो लाभ आपको मिला है? जी नहीं, वो भी नहीं मिला मुझे, मेरा कुछ भी ना, जी राशन आता ना कुछ आता, हमारा कुछ भी नहीं आता जी, कार्ड भी नहीं आपका जी, राशन बनने दे रखा पर आया नहीं अब तक। यहाँ पर कब 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 से रह रहे हो यहाँ पर गांव में? जी यहाँ से तो जी जब से शादी हुई जी, जब से रह रहे हैं काफी टाइम हो गया ना जी। तो ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परिवार पूरी तरह से सरकारी योजनाओं से अछूता है, कि गरीब परिवार होने के बावजूद भी राशन, जो राशन कार्ड बना जाए, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाद्य सामग्री मिलती है, चावल गेहूं वगैरह जो राशन डीलर की दुकान से दिया जाता है गरीबों को सस्ते रेट पर, उससे भी ये वंचित परिवार पूरी तरह से वंचित है। इनका वो चीज़ इन्हें नहीं मिल पाती, उज्ज्वला योजना में इनका नहीं है और पूरी तरह से ये टूटे हुए मकान में यहाँ पर छप्पर में रह रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ और कहाँ, तो यही आवाज़ यही गुहार ये परिवार लगाता है कि जागो उत्तर प्रदेश सरकार, गरीबों पर ध्यान दो जो गरीबों की बातें करते हैं, कि इन्हें भी आवास योजना का लाभ मिले, इनका मकान बनाया जाए, इन्हें भी राशन डीलर से राशन मिले, तो ये गरीब परिवार ऊपर उठे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फेलिसिटी टीवी। बिलोचपुर में जी कम से कम 17-18 मकान ऐसे हैं जो कच्चे मकान हैं, जो आज कुछ तो गिर गए, अब कुछ और वैसे खड़े गिरने की स्थिति में है। अब ये हमने दे रखे हैं जी कागजों में भी, कलेक्ट्रेट में भी, ये सबसे पहले जो ये मकान आएंगे, एक तो ये मंसूर है, गफ्फार का है, शकील है, मासूक है, ये 17-18 मकान है जी। ये जब से पैसे नहीं आ रहे जी गाँवों में, शहरी विकास में आते हैं, हमारे यहाँ गाँवों में पैसे नहीं आ रहा जी। इकबाल मजीद है, ये 17-18 मकान है, इनकी आने की कृपा करें। हम तो आपसे गुजारिश करते हैं सरकार से, इनका
काम हो ये अच्छा पालन करेंगे। बच्चे गिर जाए जी, किसी का चोट लग जाए, मकान गिर गया था, इनकी लड़की का चोट लग गई थी जी, इन्होंने दिखाया भी जी। भाई हमें बताया, यही गांव नहीं यूपी में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कुछ परिवार आर्थिक किस्ती से जो कमज़ोर परिवार है जो छूट जाते हैं, जो सरकार के जो योजनाएं चली उनका लाभ नहीं मिल पाता, तो इस ओर सरकार को ध्यान देने वाली बात है। मेरे साथ कैमरामैन राहुल मैकिन, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, फेलिसिटी टीवी बागपत।